हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जो संभल लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक हैं सोलत अली साहब और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है सर? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह की पब्लिक की आवाज़ है, जिस तरह का समीकरण बन के आया है, पब्लिक हमारे साथ है। संभल लोकसभा सीट पर क्या चुनावी मुद्दे हैं, जनता से क्या वादे कर रहे हैं आप, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? ईमानदारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति, मुक्त समाज जी। यहाँ पर विकास के बहुत से ऐसे काम रुके हुए हैं, जैसे संभल को रेलवे लाइन से गजरौली से जोड़ने की एक समस्या हमेशा से है, मांग आती रही है, धरने प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन उस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। संभल जिला बन गया लेकिन जिले को बखेर दिया गया जी। सत्र न्यायालय कहीं, प्रशासनिक कार्य कहीं से, और हेडक्वार्टर का नाम कुछ और, तो ये भी एक समस्या अपने आप में हो गई, उसका भी समाधान करना। विकास, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये चीज़ें जो एक जिले हेडक्वार्टर को मिलनी चाहिए वो सब संभल में होनी चाहिए, ये यहाँ की ज़रूरत है बेसिक। और हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारी पार्टी का ये प्रयास रहेगा, हमारे नेता का ये प्रयास रहेगा कि ये सब चीज़ें संभल को मिलनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो समाजवादी पार्टी के दो नेता हैं शफीकुर्रहमान बर्क का परिवार था और नवाब परिवार, दोनों का आज मेल हुआ। ज़ियाउर्रहमान बर्क नवाब इकबाल महमूद के यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है आपका मुकाबला क्या समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी से या फिर भाजपा के प्रत्याशी से होगा इस बार? हमारा सीधा मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी से है, गठबंधन का प्रत्याशी कहीं लड़ाई में नहीं है, अब उसका कोई जिक्र नहीं है। इकबाल महमूद के घर वो पहुंचे हैं, उनका फर्ज बनता है, वो प्रत्याशी हैं, वोट मांगना है उनको। इकबाल महमूद उनकी पार्टी के आदमी हैं, नेता हैं, पार्टी के विधायक हैं, उन्हें जाना चाहिए, इसमें क्या उसकी बात है? इसमें कोई ना वहम की बात है, ना सोचने की बात है, ना कोई फिक्र की बात है, हमें तो कोई भी फिक्र नहीं है। आपको जो जीत है वो किन उन पर होगी मुद्दों पर, और क्या लगता है आपको कि मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता का जो समीकरण है वो एकजुट कर पाएंगे, उसके तहत आप जीत हासिल करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैंने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है, मैं खुद भी विधायक रहा हूं, मेरे परिवार में मेरे फादर भी 22 साल विधायक रहे हैं और भी राजनीतिक हो रहे हैं पद मेरे यहाँ। हमने कभी जाति और बिरादरीवाद की और धर्म की राजनीति नहीं की है, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे हर वर्ग से वोट मिल रहा है, मुझे हिंदू धर्म से भी वोट मिल रहा है, खाली दलित और मुसलमान का ही वोट नहीं मिल रहा, हिंदू अपर कास्ट का भी मुझे वोट बहुत मिल रहा है। मेरी एक सेकुलर छवि रही है, मेरा अपना एक इमेज रहा है समाज में, इमेज रही है, उसका मुझे भरपूर फ़ायदा पहुँच रहा है, मुझे हर वर्ग से वोट मिल रहा है। 7 मई को मतदान होगा, क्या लगता है अगर जनता आपकी जो संभल की आप पर भरोसा जताती है तो क्या वादे हैं जो करेंगे अगर सांसद बनते हैं आप? मैंने बताया ना आपको कि विकास मेन मुद्दा होगा हमारा, संभल को रेलवे लाइन से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी, संभल को हमें वो सारे अधिकार दिलाना जो एक जिला मुख्यालय को होते हैं, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो वगैरह वगैरह, वो सब उसमें शामिल होंगे। ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, कोशिश की जाएगी, सरकार से इस चीज़ों को पूरा कराया जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।